यूपी के संभल में कक्षा 4 के छात्र का अपहरण कर 8 लाख की फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। छात्र के अपहरण से महकमे में हड़कंप मच गया है। आनन फान में पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल छात्र की बरामदगी को लेकर 3 टीमें गठित की गई हैं। कक्षा 4 के छात्र का अपहरण कर 8 लाख की फिरौती मांगने का पूरा मामला संभल सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हल्लू सराय का है, जहां पवासा ब्लॉक के ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात सुरजीत कुमार के 10 वर्षीय पुत्र युवराज का अपहरणकर्ताओं ने अपहरण कर लिया। कक्षा 4 में पढ़ने वाले छात्र के अपहरण की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। परिजनों के अनुसार छात्र दोपहर 3 बजे के आसपास पतंग लेने के लिए घर से बाहर गया था, उसके बाद घर नहीं लौटा। शाम को अपहृत बच्चे की मां के मोबाइल पर अपहरणकर्ताओं ने फोन कर बच्चे के किडनैपिंग की बात करते हुए 8 लाख की फिरौती की मांग की है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। बच्चे की बरामदगी को लेकर 3 टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही खुलासा किया जाएगा। यहां बता दें कि करीब 1 साल पहले भी इसी बच्चे का अपहरण हुआ था, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि कुछ देर बाद बच्चा सकुशल घर लौट आया था। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार सिंह। ये बताइए, आज आपके भतीजे का अपहरण किया गया है, कौन लोग थे और उन लोगों ने फोन भी आया था, तो क्या कहा था उन्होंने? ये तो नहीं पता कौन है, मतलब फोन आया था उनका 5:30 बजे, वो मैंने रिसीव करा था। तो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि मैं काशीपुर से बोल रहा हूँ और 8 लाख रुपए चाहिए हमें। 8 लाख रुपए की डिमांड की थी उन्होंने? 8 लाख की डिमांड करी थी। मैंने कहा था कब चाहिए, कहाँ किस जगह चाहिए, तो बोले मैं कल बताऊंगा। तो मैंने उससे कहा कि कल की जगह तुम आज बताओ, हम पैसे लेकर आ रहे हैं। अच्छा, फिर? तो उसने कहा तो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो उसके बाद में उसकी कॉल नहीं आई, मतलब कॉल नहीं आई ना बच्चे को पता चला भी ना। तो ये बच्चा जो है आपके भाई का है, भाई का नाम क्या है आपकी? सुजीत कुमार। क्या करते हैं वो? ग्राम विकास अधिकारी हैं। कौन से ब्लॉक में? पमासा ब्लॉक में। अच्छा, ये बताओ कि आपसे 8 महीने पहले भी बच्चे का अपहरण हुआ था? हाँ, कम से कम 1 साल के आसपास हो गया है समय। तो उस वक्त बच्चा मिल गया था? हाँ, उस टाइम बच्चा मिल गया था, चमंडा मंदिर से थोड़ा आगे टीला है, वहाँ छोड़ के चले गए थे उसे। तो पहले बच्चे ने बताया था कि कौन लोग थे? नहीं, उनके मुंह पर ढाढ़ा बंध गया था, ये बताया था। तो पहले कहाँ से किडनैप किया था उन्होंने बच्चे को? वो कहाँ से करा था ये नहीं पता, कहाँ से करा था, ये करा था यहीं आसपास से ही। अच्छा, आज जो बच्चा आपका भतीजा किडनैप हुआ है, तो आज ये कहाँ से हुआ बच्चा? ये इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। कब से किडनैप है बच्चा? ये 3 बजे के आसपास की बात है आज। हाँ, क्योंकि जो उसकी फर्स्ट जो कॉल आई थी वो 5:20 पर आई थी, वो उसकी मम्मी ने रिसीव करी, उसके बाद में आई थी 5:30 पर वो मैंने रिसीव करी थी। तो उससे कम से कम 2 मिनट मेरी बात हुई थी। तो उसने कहा घबराओ मत, मैं बच्चे मेरे पास है, मैं काशीपुर से बोल रहा हूँ, 8 लाख रुपये का इंतजाम करिए और पुलिस को फोन मत करना। अच्छा, धमकी भी दी थी अगर पैसे नहीं पहुँचाएंगे तो? ऐसे कोई धमकी नहीं दी उसने, पैसे की डिमांड की। हाँ, बस पैसे की डिमांड की। उसने कहा मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ कहाँ लेकर आना, कैसे कैसे करना। बच्चा क्या हुआ आपका बच्चा, किसने अपहरण कर लिया? बेटा मैं तो 4 बजे उठी, 1:30 बजे तक मेरा बच्चा था, पतंग उड़ाया है, फिर मैं सो गई, फिर मेरे से मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चला गया, कौन ले गया, मुझे नहीं पता। तो फोन आया था आपके पास किसी का? नहीं आया, मेरे पास फोन आया, मैं जब उठी तो मैं उठी, मैंने देखा फोन बजा, मैंने कहा युवराज कहाँ इतने देर में, फोन आ गया कि वो तुम्हारा, वो मेरा बेटा ही बोल रहा था, मेरा बेटा मुझसे ये कह रहा है कि मॉम मैं डैडी के दोस्त के साथ हूँ, इतना ही फोन ले लिया। बल्कि कौन से दोस्त के साथ बता नहीं पाया, कौन से दोस्त के साथ है वो। फिर उसके बाद उसने बताया, उसने फोन ले लिया, जिस जो उसे लेकर गया, बोला यार तुम्हारा लड़का काशीपुर है और ऐसा 8 लाख रुपये लेकर यहाँ आ जाओ, काशीपुर आ जाओ 8 लाख रुपये लेकर। और तो मैंने कही तो मेरे बच्चे को कुछ मत करिए, मैं 10 लाख रुपये लेकर आ रही हूँ, फोन काट दिया, बोले मैं कल बात करूँगा।